हेलो एवरीवन, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रीमियम स्टॉक में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लक्ष्मी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आज के डेट में कंपनी में जो है 8% की उछाल देखने को मिली और कंपनी में बहुत दिनों के बाद जो है ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अब जाके कंपनी का प्राइस जो है 374 रुपये पर आ चुका है। अब देखना है कि कंपनी का अगला टारगेट क्या होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस कंपनी के काम के बारे में, कामकाज के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे और कंपनी के प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करेंगे। इन सारी चीज़ों का आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड के बारे में बात करते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। उससे पहले एक नज़र कंपनी के शेयर के बारे में डालते हैं तो आपको देखने को मिला होगा कंपनी में आज की डेट में जो है ये ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। कंपनी में जो 8% की उछाल देखने को मिली और कंपनी का प्राइस जो है 374 रुपये पर पहुंच चुका है। अब माना जा रहा है कि कंपनी आगे भी अपने इसी तरह शेयर होल्डरों को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और पिछले 5 दिनों की बात के तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने पिछले 5 दिनों में 14% की उछाल देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने की बात किया जाए तो कंपनी जो है पिछले 1 महीने में 15% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले अगर 6 महीने की बात करें तो आपको देखने को मिल रहा होगा पिछले 6 महीने में इस शेयर में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। हम बता दें कि इस गिरावट का कारण मात्र एक ही था कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उसी के कारण इन कंपनियों में गिरावट देखने को मिली। बाकी कंपनी में कोई खराबी देखने को नहीं मिल रही थी, कंपनी कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ने की जा रही थी, इसी के कारण इसमें गिरावट देखने को मिली है। अगर हम बात करें कंपनी के कामकाज के बारे में क्या काम करती है तो आपको ले चलते हैं। देखिए क्या होता है कि कंपनी का सबसे बड़ा कारोबार है केमिकल का, तो केमिकल का जो कारोबार होता है सबसे ज़्यादा केमिकल का कारोबार यूक्रेन से किया जाता है। इसी के कारण इस कंपनी में भारी गिरावट देखने को मिली थी। पिछले 6 महीने में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली थी और कंपनी का प्राइस जो है 200 के लमसम आ चुका था। अब जाके कंपनी जो है रिकवरी मोड में देखने को मिल रहा है, अब फिर से इसमें सुधार देखने को मिल सकता है। आपको देखने को मिला कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, केमिकल से रिलेटेड कंपनी का काम इसमें मौजूद है। और बात करें कंपनी का अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें, कंपनी के लॉस के बारे में बात करें तो हम आपको बता देते हैं कि कंपनी पूरी तरह से प्रॉफिट में चल रही है। कंपनी में कोई किसी प्रकार का लॉस देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी का सबसे लोएस्ट प्राइस की बात हम कर रहे थे ना, उस समय 274 रुपये का कंपनी का सबसे लोएस्ट प्राइस कंपनी का एक साल का है। और सबसे हाईएस्ट प्राइस की बात करें तो 628 रुपये का कंपनी का सबसे हाईएस्ट प्राइस देखा जा रहा है। अब माना यह जा रहा है कि कंपनी फिर से अपने जो है 628 रुपये के टारगेट को बहुत जल्द ही टच करने वाली है, क्योंकि जब तक सब कुछ नॉर्मल होता जाएगा तब तक उससे बाद ही कंपनी आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देगी। आप देख सकते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप जो है 9978 करोड़ रुपये का कंपनी का मार्केट कैप मौजूद है। कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपये का कंपनी की फेस वैल्यू है और कंपनी अपने शेयर होल्डरों को कोई डिविडेंड नहीं दे रही है। अभी कंपनी ने डिविडेंड का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, जब अनाउंसमेंट किया जाएगा तो उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। अगर कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करें तो एक साल के प्रॉफिट के बारे में बात करें, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कंपनी ने इस बार जो एक्सपेक्ट किया है, उन्होंने किया कि इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा पहले से अच्छा देखने को मिलेगा। और कंपनी के अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि 29% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जिस कंपनी में 29% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले उस कंपनी में हमें ज़रूर पैसा लगाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में इंडिया में केमिकल की बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ने वाली है। इसलिए कंपनी केमिकल का उत्पादन जो है बाहरी देशों से किया जाता है, अब इंडिया जो आत्मनिर्भर बन रहा है तो उसी प्रकार से जो है हमें ऐसे ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आगे चल के हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट जो कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि कंपनी जब से इस शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तो कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट दे रही है और खुद ही कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। अभी तक का प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी में जो 65 करोड़ रुपये का प्रॉफिट देखने को आपको मिल रहा होगा। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के मुताबिक कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आपको बता देते हैं कि इस बार क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी को 219 करोड़ रुपए का कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। जिस कंपनी में इतना प्रॉफिट देखने को मिले तो हमें यही चाहिए कि कंपनी हमें प्रॉफिट दे, बस हमें प्रॉफिट से मतलब है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा प्रमोटर होल्डिंग में कंपनी में जो है अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग बची हुई है। 72% की प्रमोटर होल्डिंग पूरी तरह से मौजूद है और जिसमें से जो है मेन सबसे ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग जो है 66% मौजूद है कंपनी के पास। वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।